विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सैन जोस कैलिफोर्निया में एक हवेली है जिसे विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के मालिक विलियम विंचेस्टर की विधवा सारा विंचेस्टर द्वारा बनाया गया था। ये घर अपनी विचित्र स्थापत्य सुविधाओं और इससे जुड़ी कई भूतों की कहानियों के लिए जाना जाता है। सारा विंचेस्टर ने 1884 में घर बनाना शुरू किया और 1922 में अपनी मृत्यु तक इसे जोड़ना जारी रखा। घर में 160 से अधिक कमरे हैं, जिनमें 40 बेडरूम, 2 बॉलरूम, 47 फायरप्लेस और कई सीढ़ियां हैं जो कहीं नहीं जाती हैं। इसमें गुप्त मार्ग भी हैं, दरवाजे जो दीवारों पर खुलते हैं और खिड़कियां जो अन्य कमरों में दिखती हैं। सारा विंचेस्टर ने विंचेस्टर राइफल्स द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं को खुश करने के लिए घर बनाया था। उसका मानना था कि अगर वो निर्माण करती रही तो भूत भ्रमित हो जाएंगे और उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। आज विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और इसे अमेरिका के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक कहा जाता है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं। कुछ आगंतुकों ने पूरे घर में अजीब शोर, पदचाप और फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने भूतिया प्रेत देखे हैं और कुछ क्षेत्रों में ठंडे स्थानों को महसूस किया है। सबसे प्रसिद्ध भूत कहानियों में से एक में क्लाइडर नामक घर का एक पूर्व कार्यवाहक शामिल है। किंवदंती के अनुसार क्लाइडर कई सीढ़ियों में से एक की मरम्मत के दौरान गिरकर मर गया जो कहीं नहीं जाती थी। आगंतुकों ने उसकी भूतिया आकृति को सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चलते हुए देखने की सूचना दी है, फिर भी वह अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक अन्य कहानी में निर्माण श्रमिकों का एक समूह शामिल है जो 1970 के दशक में घर का नवीनीकरण कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद विक्टोरियन कपड़े पहने और मोमबत्ती लिए हुए सारा विंचेस्टर के भूत को देखा है। मजदूर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर लौटने से इनकार कर दिया। इन कहानियों के बावजूद कुछ संशयवादियों का मानना है कि विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक प्रेतवाधित हवेली के बजाय केवल एक अजीब और विलक्षण वास्तुशिल्प रचना है। हालांकि कई आगंतुक अजीब अनुभवों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की रिपोर्ट करना जारी रखते हैं, जिससे घर भूत शिकारी और अपसामान्य उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन जाता है।